बुरी तरह हार के बावजूद टीम इंडिया के क्रिकेटर कैसे तोड़ रहे हैं रिकॉर्ड, जानिए कौन कौन क्रिकेटरों ने कितने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ा। रिकॉर्ड तोड़ने की लिस्ट में क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली का भी दर्ज है नाम? लगातार रिकॉर्ड तोड़ने के बाद क्यों जीत नहीं दिला पा रहे हैं टीम इंडिया के क्रिकेटर? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला गया। हार के बावजूद इस मैच में टीम इंडिया ने 4 रिकॉर्ड बनाए। हालांकि इन रिकॉर्ड में किसी भी गेंदबाज का नाम शामिल नहीं है। हार्दिक पांड्या ने अपने T20 करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया। चलिए हम आपको इस मैच में बने 4 रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम रहा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पहले T20 मैच में 30 गेंदों पर नाबाद 71 रन की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 5 छक्के जड़े। यह उनके T20 करियर का बेस्ट स्कोर है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 236.66 रहा। यह उनके T20 करियर का सिर्फ दूसरा अर्धशतक था। पांड्या ने आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के भी जड़े। ऑस्ट्रेलिया की ओर से आखिरी ओवर कैमरुल ग्रीन कर रहे थे। पांड्या ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। इसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर मिड विकेट, पांचवी गेंद पर लॉन्ग ऑफ और छठवीं गेंद पर पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया। दूसरा टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में सबसे बड़ा स्कोर था। टीम इंडिया ने मोहाली में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन का स्कोर बनाया। ये भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इसके जरिए टीम इंडिया ने 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले 2013 में राजकोट में हुए T20 मैच में टीम इंडिया ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए थे। तीसरा रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम रहा। सबसे कम पारियों में T20 में 2000 रन पूरा करने वाले चौथे नंबर के बल्लेबाज बने। पहले T20 मैच में भारतीय ओपनर केएल राहुल ने 32 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की। T20 क्रिकेट में यह उनकी 18वीं 50 रही। इसके साथ ही वह T20 में सबसे कम पारियों में 2000 रन पूरा करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। राहुल ने 63 मैचों की 58 पारियों के बाद 2000 रन पूरे किए हैं। उनसे आगे पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली है। चौथा रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव के नाम रहा। इस साल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे नंबर के बल्लेबाज बने। मैच में सूर्य कुमार यादव ने 184 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 6 छक्के जड़े। इसके साथ ही वह इस साल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए। सूर्य कुमार यादव ने 18 मैचों की 18 पारियों में 182.44 की स्ट्राइक रेट से 613 रन बना लिए। वहीं उनसे आगे नेपाल के दीपेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने 18 मैचों की 17 पारियों में 136.68 की स्ट्राइक रेट से 626 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव अगर अगले मैच में 13 रन बना लेते हैं तो वह T20 में इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AVN समाचार।